कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आए थे। जमशेदपुर आने के बाद सबसे पहला काम तो उन्होंने किया कि आदिवासियों को बता दिया भैया कि विधानसभा चुनाव में हम ही को वोट देना, क्योंकि हमने आपकी जाति समुदाय के व्यक्ति को उठा करके राष्ट्रपति बना दिया है। और इतना ही नहीं, आदिवासी समाज से एक महिला को देश की राष्ट्रपति किसने बनाया? तो जवाब एक ही है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कल आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कसर भी पूरी कर दी। अब आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आदिवासियों के हित की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि झारखंड में राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है वो आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो मुझे और हंसी आने लगी। झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन है JMM, RJD और कांग्रेस। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में जिसे चुनाव प्रभारी बना करके भेजा है शिवराज सिंह चौहान को, उनके राज्य MP में ऐसी घटना आदिवासियों के साथ उनके दौर में हुई है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आदिवासियों के साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है जो हम आपको अगर बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब ऐसी बात करते हैं, आदिवासियों के हित की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जरूर से जरूर दो चेहरा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को दिखाने के लिए राष्ट्रपति आदिवासी बना देते हैं, लेकिन आदिवासियों की जमीन छत्तीसगढ़ में अडानी के पास जाने से रोक भी नहीं पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सब तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और वो तमाम नृशंस घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आदिवासियों के साथ किया गया है, जिस तरीके से आदिवासियों के साथ पिटाई की गई है, उनकी हत्या की गई है, वो तीन ऐसी घटना आपको बताएंगे जिसके बाद आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों सबसे पहली खबर का जिक्र करना चाहेंगे, सिवनी मध्य प्रदेश का एक शहर है सिवनी। अब उस शहर के बारे में बता दें कि आदिवासियों की वहां पर संख्या जो है थोड़ी कम है, मतलब कि समझ लीजिए कि वहां पर अल्पसंख्यक उस शहर में आदिवासियों की संख्या जो है कम है। आप देखिए कि एक वहां पर एक आदिवासी व्यक्ति के साथ क्या होता है कि गुप्तांग की खींची चमड़ी फिर दंडों से की पिटाई, आदिवासी युवक से ऐसी बर्बरता कि रोंगटे खड़े हो जाएं। नवभारत टाइम्स में छपी ये रिपोर्ट है और ये कह रही है, और नवभारत टाइम्स में छपी ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक बार फिर एक आदिवासी युवक से मारपीट का वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई है। वीडियो में युवक के साथ BJP विधायक ऐसी बर्बरता करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया जिसमें वो आदिवासी को बर्बरता के साथ पीट रहा। आपकी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की उस छपी रिपोर्ट को आपने देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों से नफरत करते हैं। ये तो एक रिपोर्ट, आइए आपको नेशनल हेराल्ड में छपी दूसरी रिपोर्ट को दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड में छपी ये रिपोर्ट कहती है कि झारखंड आदिवासी लिंचिंग, इट वाज प्रीप्लान्ड एंड टारगेटेड टू अटैक क्रिश्चियन टू डिवाइड आदिवासी विलेजर्स क्लेम दैट बजरंग दल मेंबर्स वेयर बिहाइंड द अटैक एंड पॉलिटिकल लीडर्स से इट इज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड आदिवासी बिफोर झारखंड इलेक्शन। 24 सितंबर 2019 को ये खबर छपी थी और दिसंबर में इसी साल इलेक्शन होने, उससे पहले किस तरीके से क्रिश्चियन जो समुदाय के लोग हैं उन पर हमला किया जा रहा था, आदिवासियों और क्रिश्चियंस को जो है बांटने का काम किया जा रहा था बजरंग दल के मेंबर जो है। अब बजरंग दल के मेंबर आप समझ सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो आदिवासियों से नफरत करते हैं, आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। ये दूसरी रिपोर्ट थी दोस्तों। आइए CJP में छपी तीसरी रिपोर्ट का आपको जिक्र करते हैं। CJP में छपी ये रिपोर्ट कहती है, आपके स्क्रीन्स पर जो है वो तस्वीरें आ रही होंगी कि MP विटनेसेस राइजिंग वायलेंस अगेंस्ट ट्राइबल्स एज BJP यूथ विंग लीडर कॉट बीटिंग अ ट्राइबल एल्डरली, मोर वीडियोस ऑफ ट्राइबल बीइंग बीटन एंड असॉल्ट कंटिन्यू
टू एमर्ज फ्रॉम द स्टेट। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, शिवराज सिंह चौहान जहां मुख्यमंत्री थे उसी राज्य की बात हो रही है, साल 2023 की बात हो रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के जब मुख्यमंत्री वहां मामा थे उस समय आदिवासियों के साथ यही हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के लीडर आदिवासियों को पीट रहे थे। और ये रिपोर्ट यहां तक भी कहा, ये रिपोर्ट कहती है वीडियो कैप्चरिंग एन ऑफिस बेयरर ऑफ द बीजेपी यूथ विंग लीडर एलिजली असोल्टिंग एन एल्डरली ट्राइबल मैन नियर द बॉडी ऑफ एनदर ट्राइबल मैन who has tragically lost his life in a road accident has got the headlines. The opposition has seized upon the incident. यानी ये रिपोर्ट कह रही है कि बीजेपी के यूथ विंग के लीडर जो है एक आदिवासी युवक को परेशान करते हुए, असॉल्ट करते हुए, पीटते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के दोस्त के डेड बॉडी के बगल में जहां उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो अपने दोस्त के साथ सड़क पर पड़ा हुआ है और बीजेपी का यूथ विंग का लीडर उसको असॉल्ट कर रहा है। तो ये तीन खबरों से आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले तो आप समझिए कि दो खबर तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की थी, मामा का जो राज्य था, और वही शिवराज सिंह चौहान, वही मामा अब झारखंड में आदिवासियों का हित बचाने के लिए जब सामने आए हैं तो मुझे हंसी तो आएगी। ऑब्वियस है, हंसी क्यों नहीं आएगी भाई। आपके राज्य में जब आप मुख्यमंत्री थे तब तो आप आदिवासियों के हित को बचा नहीं पाए। और मैं आपको बता दूं कि 5 साल मध्य प्रदेश में मामा की सरकार रही है, ऐसी कईयों घटना मैं आपको बता सकता हूं जहां आदिवासियों के साथ नृशंस जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अभी हाल के दिनों में शिवराज सिंह चौहान जिस आदिवासी युवक के ऊपर बीजेपी लीडर ने पेशाब कर दिया था, उसको अपने घर बुला करके सम्मान दिया था, लेकिन बाद में ये बातें भी सामने आई थी कि उसे पैसा दे करके कॉम्प्रो करने के लिए भी कहा गया। तो ये सारी चीजें जो है जब मामा के राज्य से सामने आई है तो अब उन्हीं को जब झारखंड में आप प्रभारी बना करके भेजेंगे तो थोड़ा सा तो शक मुझे आपकी भी नियत पर होगा। और सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता को आपकी नियत पर शक धीरे धीरे होने लगा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को आंख दे रहे हैं उस पर भी मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के लिए जो है बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें समाचार आज तक।